and welcome to my channel. This is Megha. So, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ ये वाला मेकअप लुक. और इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 5 मेकअप प्रोडक्ट्स. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. सो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मेकअप लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है विथ ओनली 5 मेकअप प्रोडक्ट्स, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप अपना स्किन केयर ज़रूर फॉलो करें. सो अपना स्किन केयर करने के लिए आपको कोई भी फैंसी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है. आपके पास में जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो उन्हीं को यूज़ करके आपको अपना स्किन केयर फॉलो करना है. तो सबसे पहले हम अपना स्किन केयर कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेकअप. एक सिंपल से स्किन केयर के लिए आपको 3 चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सो क्लिंजिंग के लिए आपके पास में जो भी फेस वॉश है आप उससे अपना फेस वॉश कर लें. सो मैंने अपना फेस ऑलरेडी क्लीन कर लिया है. सो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ जो कि है टोनिंग. टोनिंग के लिए आपके पास में जो भी टोनर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास में टोनर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी नॉर्मल रोज़ वाटर लेकर अपने फेस को टोन कर सकते हैं. सो टोनर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ डाबर का गुलाब जल. इस रोज़ वाटर को यूज़ करने के लिए आप सिंपली एक कॉटन पैड लें. आप इसके ऊपर रोज़ वाटर की 2 से 4 ड्रॉप्स डालें और इस कॉटन पैड से अपने फेस को अच्छे से वाइप कर लें. अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ जो कि है मॉइस्चराइज़र. आप अपने डेली स्किन केयर के रूटीन में कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र तो यूज़ करते ही होंगे. आपको वही मॉइस्चराइज़र यहाँ पर यूज़ करना है. सो मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र. सो अब मैं इस मॉइस्चराइज़र की एक अच्छी खासी क्वान्टिटी लेकर अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी. ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी लाइट वेटेड और अगर आप इस मॉइस्चराइज़र को अपने मेकअप से पहले यूज़ करते हो तो ये बहुत ही अच्छे बेस का काम करता है. और इस मॉइस्चराइज़र को अगर आप अपने मेकअप से पहले यूज़ करते हो तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगा. सो इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने के बाद में हमें 2 से 3 मिनट तक इसको एब्जॉर्ब होने के लिए देना है ताकि ये मॉइस्चराइज़र अच्छे से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए. मैंने इस मॉइस्चराइज़र का रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया है. अगर आप इस मॉइस्चराइज़र का रिव्यू देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. अब बारी आती है हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने की. जैसे हम अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करते हैं वैसे ही हमें अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे ओंठ फटे हुए लगेंगे और हमारी लिपस्टिक का लुक भी बहुत अच्छा नहीं आएगा. सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये बायोटिक का फूड लिप बाम. इस लिप बाम की बहुत थोड़ी सी ही क्वांटिटी आपके लिप्स के लिए सफिशिएंट होती है. सो ये लिप बाम अब मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ. नाउ आई एम डन विथ माई लिप बाम. और ये लिप बाम आपके लिप्स को बहुत ही इंस्टेंटली पिंक एंड ग्लोई लुक देता है. बहुत ही अच्छा लिप बाम है. आप इस लिप बाम का भी रिव्यू मेरे चैनल पे देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी. सो अब हमारा स्किन केयर बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है तो अब चलते हैं अपने मेकअप की तरफ. सो इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 5 प्रोडक्ट का यूज़ करने जा रही हूँ, जिसमें कि फर्स्ट वन है ये फाउंडेशन. आपके पास जो भी फाउंडेशन है आप उसे यूज़ करें. सेकेंड प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है लैक्मे की लिपस्टिक. थर्ड प्रोडक्ट जो हमारे पास में है वो है लैक्मे का आइकॉनिक काजल. और फोर्थ प्रोडक्ट जो हमारे पास में है वो है ये मेबलिन का आईलाइनर. और लास्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास में है वो है ये मेबलिन का मस्कारा. अगर आप एक मेकअप बिगनर हो तो आप ये लैक्मे का 9 to 5 वेटलेस मूज फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो इसका रिव्यू भी देख सकते हैं. ये काफ़ी अफोर्डेबल फाउंडेशन है और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है. बट आज इस वीडियो में हम यूज़ करने जा रहे हैं ये लैक्मे का एब्सोल्यूट फाउंडेशन. तो सबसे पहले इस फाउंडेशन की थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर हम अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करेंगे. ये जो लैक्मे का एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन है इसको अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी मेकअप ब्रश या फिर स्पॉन्ज की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. आप अपनी फिंगर टिप से ही इस फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो और ये बहुत ही स्मूथली आपके फेस से ब्लेंड होगा. सो अब मैं इस फाउंडेशन को अपनी फिंगर टिप से ही ब्लेंड करने जा रही हूँ. अब मैं इसी फाउंडेशन को अपने अंडर आई और आईलेट पे भी अप्लाई करूँगी.
आप इसी फाउंडेशन से अपने अंडर आई और आईलेट को भी कवर कर सकते हैं। सो नाउ आई एम डन विथ माई फाउंडेशन। अब हम अपना आई मेकअप अप्लाई करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ये आई लाइनर अप्लाई करने जा रही हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर हाफ आई पे ही आई लाइनर अप्लाई किया हुआ है। इससे आपकी आईज इंस्टेंटली बड़ी दिखेंगी। अब मैं दूसरी आई पे भी आई लाइनर अप्लाई कर लेती हूँ। आप इस आई लाइनर लुक को अपने काजल से भी क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ आई एम डन विथ माई आई लाइनर। अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। अब मैंने अपनी एक साइड पे मस्कारा अप्लाई कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड पे मस्कारा अप्लाई करने जा रही हूँ। आप मस्कारा अप्लाई करने के लिए अपने ब्रश को आईलैशेस पे ले जाएं और हल्का सा ऊपर करने के बाद में आपको जिग जैग मोशन में अपने ब्रश को अप्लाई करना है। अब हमारा मस्कारा भी अप्लाई हो गया है, तो अब हम अप्लाई करेंगे काजल। अब काजल अप्लाई करने के बाद में हम करेंगे अपना आईब्रो। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर इसी काजल का यूज़ करूँगी। आप इसी काजल से अपने आईब्रोज को भी फिल कर सकते हैं और अपने आईलाइनर को भी अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट आईलाइनर लुक भी इसी काजल से क्रिएट कर सकते हैं। आईब्रोज को फिल करने से पहले आप थोड़ा सा आईब्रो को कॉम कर लें। अगर आपके पास में इस तरीके का स्पूली है तो आप इससे भी कॉम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल कॉम से भी अपने आईब्रोज को कॉम कर सकते हैं। सो इस स्पूली से मैं अपने आईब्रोज को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करूँगी। और अब इस काजल से मैं अपनी आउटर लाइंस फिल करूंगी। आपको अपनी आईब्रोज के बीच में जहां पर भी गैप लग रहा है आप वहां पर भी इस काजल को अप्लाई कर सकते हो। और काजल को अप्लाई करने के बाद में आप फिर से अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा कॉम कर लें। अब इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आईब्रो को भी फिल कर लूंगी। अगर आप अपनी आईब्रो का स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट छोड़ के फिर आईब्रो को फिल करेंगे, इससे आपकी आईब्रो का बहुत ही नेचुरल लुक आएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि आपने आईब्रो मेकअप अप्लाई किया है। अब आईब्रोज को फिल करने के बाद में हम लगाएंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले हमने जो लिप बाम लगाया हुआ है हम उसको निकाल देंगे ताकि हमारी लिपस्टिक का ओरिजिनल कलर आ सके और वो लिप बाम के साथ में मिक्स होकर बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लुक ना दे। सो आप कोई भी कॉटन पैड या फिर टिश्यू पेपर लेकर अपना लिप बाम रिमूव कर लें। सो अब हम लगाएंगे ये लैक्मे की लिपस्टिक। तो अब मेरा ये लिपस्टिक भी अप्लाई हो गया है और आपने देखा ये लिपस्टिक बहुत ही इजी टू अप्लाई है और इस एप्लीकेटर की वजह से इस लिपस्टिक को अप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाता है और ये कलर प्लम फैदर भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस लिपस्टिक को परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। सो अब मेरा मेकअप पूरा कम्प्लीट हो चुका है और ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। हैव अ क्लोजर लुक टू इट।
इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। सो ये था आज का मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे इसी तरीके के एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय।